सयाल स्थित महिला ने दुपट्टे के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर के बाद फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र सयाल 8 नंबर स्थित श्वेता देवी पति श्रवण कुमार ने दुपट्टे के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर के बाद फैली सनसनी। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस थाना प्रभारी अभिषेक कुमार, एएसआई निर्भय कुमार घटनास्थल पहुंचकर शव का पंचनामा किया और दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक महिला के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम में भेजा जाएगा, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का सही कारण क्या है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा इसे प्रथम दृष्टियम से हत्या और द्वितीय दृष्टियम से आत्महत्या देखा जा रहा है, जो पुलिस के जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट हो पाएगा। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। मेरी भगनी है, हम लोग रांची से हैं, तो यहाँ जो है फांसी का आत्महत्या का ये कर रहा है, मतलब सबूत मिटाने के ताक से लोग सब अपना क्रियाक्रम करने के लिए रेडी थे, जिस कारण से हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे कि यहाँ शरीर में जगह जगह चोट के निशान भी हैं और हाथ से दबाया हुआ निशान भी है, जिससे शक जाता है कि ये हत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। तो घर परिवार के लोग मिलजुल कर इसको आत्महत्या करार दे रहे थे। कौन है आप? ये मेरी भगनी है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।